दादौर के छोटामास के पास पलटी भूसे से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 लोग घायल, हालत गंभीर होने पर 3 को किया गया यमुनानगर रेफर। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर सोमवार को रादौर के छोटामास के पास एक ट्रक द्वारा ओवरटेक करते वक्त भूसे से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड मार देने से वह सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार 7 लोगों में से 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पाकर रादौर सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां 3 की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क पर दोनों ओर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। सहारनपुर जिले के गांव चलाकपुर के रहने वाले मुकर्रम ने बताया कि वे लाडवा से भूसा लेकर सहारनपुर जा रहे थे। जैसे ही वे छोटामास के पास पहुंचे तो एक ट्रक ने उनकी ट्राली को साइड से टक्कर मार दी, जिस कारण उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उस पर सवार तनवीर, इकरार, फुरकान, साहिद, सादिक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर सालनी सैनी ने बताया कि इन घायलों में तनवीर, इकरार व फुरकान की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। सर लाड़वे से भूसा लेकर चले और कॉलेज पे जाके हादसा हो गया, गाड़ी वाला साइड मार के गया, 5 बंदे घायल हुए जी। रादौर के गांव कांजनू में ग्रामीणों ने चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में किया प्रदर्शन। रादौर के गांव कांजनू में बनाई जा रही चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध जारी है। सोमवार से ग्रामीणों द्वारा इस फैक्ट्री के विरोध में प्रतिदिन 1 घंटा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को संस्कृति बचाओ कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश कांबोज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश कांबोज ने कहा कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर यहां इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे, इसके लिए उन्हें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को समय रहते उनकी मांग को मानना चाहिए, अन्यथा वे कोई बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। रादौर क्षेत्र के गांव में शादी का झांसा देकर विधवा महिला से बनाए शारीरिक संबंध केस दर्ज। रादौर क्षेत्र के गांव में विधवा महिला के साथ एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में विधवा महिला के साथ उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसके बाद प्रभावित विधवा महिला को आरोपी व उसके पति के लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। प्रभावित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने प्रभावित महिला की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रादौर के गांव जठाना में सड़क दुर्घटना में घायल की इलाज के दौरान मौत, अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज। रादौर के गांव जठाना में 6 दिन पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए गांव मारूपुर निवासी देवेंद्र कुमार ने पंचकूला के एक निजी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए शव परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के चाचा की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। गांव मारूपुर निवासी शिव कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 नवम्बर की शाम को लगभग 6:30 बजे वह अपने गाँव मारूपुर से सैर करने के लिए निकला था। इस दौरान जब वह पावर हाउस जठाना के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई के लड़के देवेंद्र कुमार की बाइक को एक गाड़ी चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलते हुए जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से देवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। देवेंद्र की हालत गंभीर होने पर 18 नवंबर को उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। बाद में उसे पंचकूला के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।